नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनायक और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि विनेक्स HD वीडियो कन्वर्टर डिलक्स को कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी फ्री में। फ्री में मतलब उनका गिव अवे है, तो आप वहाँ उनके वेब पेज पे जाके आप सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपने आज तक वीडियो कन्वर्टर के बारे में सुना होगा, लेकिन वो फ्री में दे रहे होंगे तो वो उनका वाटरमार्क आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उस URL को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद वेब एड्रेस बार पे जाके पेस्ट कर दीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। मैं पेस्ट एंड गो करता हूँ। तो उसके बाद आपको राइट साइड पे देख लीजिए, आपको 5 सेकंड तक वेट करना होगा और उसके बाद स्किप दिस एड पे क्लिक कर दीजिए। तो आप सीधे ही उनके गिव अवे पेज पे चले जा चुके हैं। तो ये देखिए, आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं उनका गिव अवे है विनेक HD वीडियो कन्वर्टर डिलक्स का। ये इंटेल QSV या फिर NVIDIA क्यूडा को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है इसकी मदद से ये सुपर फास्ट कन्वर्ट कर देता है। इसकी मदद से आप लगभग लगभग सभी वीडियो टाइप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है 4K, MP4, AVI, FLV, MKV या फिर MP4 हो, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें बिल्ट इन लगभग 400 प्रोफाइल्स है, जिसकी मदद से आप मोबाइल के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमें गेट गिव अवे वर्जन पे क्लिक करना होगा। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, हम गिव अवे वर्जन यूज कर रहने वाले हैं, इसलिए हमें कोई भी अपडेट्स नहीं मिलने वाले। अगर आप फुल वर्जन लेंगे तो आपको लाइफ टाइम फ्री अपग्रेड मिलेंगे, टेक सपोर्ट मिलेगा और 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलेगी। तो हम गेट गिव अवे वर्जन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुके हैं। तो मैं इसे पॉज करता हूँ क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए, मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया है। तो मैं इसे अभी एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर, जिसके बाद मैं इसे शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, इसका सेटअप आ चुका है। इसे डबल क्लिक करके मैं इसे इंस्टॉलिंग शुरू कर देता हूँ। ओके ओके बटन पे क्लिक कर दो, उसके बाद नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो अभी इसकी इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है। इसकी इंस्टॉलिंग हो रही है, तो मैं आपको इसकी खासियत बताता हूँ। इसमें 410 से ज़्यादा प्रोफाइल्स है, मतलब कि आप मोस्ट पॉपुलर जो मोबाइल होंगे या फिर टैबलेट्स होंगे, एप्पल का हो, सैमसंग, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, तो उसके आप हिसाब से आप सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसके रेडमी में यहाँ पे लाइसेंस की है, जो मैंने यहाँ पे नीचे डाल दी है, क्योंकि ये कोड है वो मैं सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करूँगा और मैं इसे डिस्क्लोज नहीं करने वाला। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए लॉन्च, तो ये देखिए अब उसके रजिस्टर पेज पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे कोड पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कोड पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया है। तो अभी आप विंडो देख लीजिए, यहाँ पे एक्टिवेट की विंडो आ, ये देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली अभी हो चुका है, जिसका मतलब आप विनेक्स HD वीडियो कन्वर्टर डिलक्स को अपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है। तो आप यहां से आप वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक वीडियो आपको यहां से दिखाता हूं। मैंने डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया, ये मेरा पिछला वाला एक वीडियो है। तो मैं इसे यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। तो ये देखिए, आप यहाँ से यूट्यूब का URL डाल के भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप कौन से भी यूट्यूब का वीडियो होगा तो आप यहाँ से सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से जनरल प्रोफाइल में से MP4 को ही सिलेक्टेड रखता हूँ। आप चाहो तो अपने डिवाइस के हिसाब से, मतलब कि अगर आप आईफोन वीडियो कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब iPhone 7, iPhone 6 Plus, कौन से भी हो, तो आप सिर्फ उसे सिलेक्ट कर दीजिए।
मैं अभी MP4 वीडियो को ही सिलेक्टेड रखता हूँ। अगर आपको लो क्वालिटी चाहिए तो आप लो क्वालिटी को सिलेक्ट कर दीजिए MP4 में से, और हाई क्वालिटी चाहिए तो हाई क्वालिटी। आप जैसी जैसी क्वालिटी रखेंगे उसके हिसाब से कन्वर्जन के लिए वक्त लगेगा। ओके पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को एडिट भी कर सकते हो। मैंने वीडियो शुरू कर दिया है तो आप यहाँ से सबटाइटल ऐड कर सकते हैं, क्रॉप एंड एक्सपांड कर सकते हैं जैसा चाहो, या चाहो तो ट्रिम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं क्रॉप का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये क्रॉप कर देगा तो ये देखिए ऊपर का हिस्सा भी नहीं आ रहा है, ऐसे आप क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इसे डिसलेक्ट करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे आपको रन भी क्लिक करना है। उससे पहले अगर आपके पास ये एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इसे सिलेक्टेड कर रख दीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ इंटेल को सिलेक्टेड रख दिया है। उसके बाद मैं हाई क्वालिटी इंजन को यूज़ करूँगा, और यहाँ से डेस्टिनेशन फोल्डर को सिलेक्ट करके मैं डेस्कटॉप पे ही रख देता हूँ। यहाँ से डेस्कटॉप और उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हम अभी तैयार हो चुके हैं, अभी सिर्फ रन पे क्लिक करना है। ये देखिए कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितनी जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर रहा है। अभी ये फिनिश हो चुका है। मेरे वीडियो की पहले प्रॉपर्टीज में जाके उसकी साइज देखता हूँ। ये देखिए आप 20 MB का है, और हमने जो कन्वर्ट कर लिया है उसकी साइज देखते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं 13.9, मतलब ये 14 MB का है। 20 MB का हमने कन्वर्ट करके 14 MB कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। आप इसे ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ये हमको फ्री में मिल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।